हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पाषाणकालीन केव, जिसे कहा जाता है चितवा डोंगरी केव। कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। चट्टान के किनारे किनारे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाइट है, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। और ये गुफा जानी जाती है, प्रसिद्ध है यहाँ के शैल चित्रों के लिए। और गोंदली जलाशय का खूबसूरत नजारा आप लोग को चितवा डोंगरी केव के पहाड़ पर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, चितवा डोंगरी केव छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले से 23 किलोमीटर की दूरी पर सहगांव नामक विलेज के पास स्थित है, गोंदली जलाशय के किनारे। सहगांव से 1 किलोमीटर आगे ही आपको एक लेफ्ट टर्न देखने को मिलेगा। वहां पे कहीं पे भी साइन बोर्ड नहीं है, लेकिन गूगल मैप आपको वो लेफ्ट टर्न बता देगा। वहां से लेफ्ट टर्न लेने के बाद लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको एक और लेफ्ट टर्न लेना है और फिर आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। काफ़ी अच्छी रोड है, कहीं पे भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली। गूगल मैप की मदद से आप लोग यहाँ तक बहुत ही ईजिली पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हम लोग उस स्थान तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप लोग गाड़ी के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कार भी बाइक भी यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ से एक छोटा सा पाथ बनाया गया है जो कि आप लोग को इस पहाड़ी के ऊपर तक लेके जा सकता है। और यहीं से आप लोगों को गुफा देखने को मिल जाती है। गुफा का जो मुहाना है वो यहीं से देखने को मिल रहा है। और ये जो जगह है ये काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन लग रही है। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। बहुत ही अच्छे टाइम पे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। शाम होने वाली है, शायद 4:30 बजे है और यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। शांति इतनी है कि बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही एफर्ट करके आप लोग पहाड़ की चोटी तक पहुँच सकते हैं। तो ये गुफा कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये प्राकृतिक गुफा है दोस्तों। उस ज़माने में हजारों सालों पहले आदि मानव लोग यूज़ करते होंगे। और इस चट्टानों के बीचों बीच एक सुरंग बताई जाती है जो कि बहुत नीचे जाती है। तो यहाँ पे जितने भी द्वार हमें देखने को मिल रहे हैं गुफा के, ये सारे द्वार उस गुफा उस सुरंग की ओर जाते हैं। और ये अनएक्सप्लोर्ड गुफाएं हैं जो आज तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। दोस्तों, ये गुफा पाषाणकालीन गुफा है। पाषाण काल में मानव ने पत्थरों से औजार और हथियार बनाना सीखे थे, तो ये गुफा उस जमाने की है, पाषाणकालीन की। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि यहाँ इस जगह पे काफी सारे जंगली जानवर यहाँ पे रहते थे, ये उनके लिए एक रहने का ठिकाना है। तो दोस्तों, ये गुफा यहीं तक है। अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस जगह का नाम चितवा डोंगरी रखा है। दोस्तों, मैं कांकेर में मौजूद गड़िया पहाड़ में छुरी नामक गुफा में गया था तो मुझे एक्सपीरियंस है गुफा का। अरे बाप रे, यहाँ बहुत फिसलन है बाबा। हालांकि डर तो अभी भी नहीं गया है। मैं जरा पास दिखता हूँ तो ये पैरों के आकार की चट्टान कैसी दिख रही है, जैसे शेर का पैर हो। लेकिन एक्सपीरियंस तो हो गया है कि खतरनाक होती है गुफाएं। ये चट्टान में ऐसा लगा जैसे कोई शेर बैठा हो। यहाँ पर इंसान रहा करते थे, इस बात का सबूत वो शैल चित्र है जिसके ओर हम लोग अब जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये मेन गुफा है। गुफा का मुहाना आप लोग देख सकते हैं। इसके अगर आप लोग लेफ्ट साइड से जाते हैं तो आप लोग पहाड़ के ऊपर पहुँच सकते हैं, और अगर राइट साइड से जाते हैं तो वो शैल चित्र की ओर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग राइट साइड की ओर जा रहे हैं। अगर आप लोग शाम के समय में आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट देखने को मिलता है। देख सकते हैं किस तरह से रास्ता जा रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों, हम लोग उस चट्टान के नीचे आ चुके हैं जो चट्टान में शैल चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी शैल चित्र को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और ये शैल चित्र पाषाणकालीन युग की बताई जाती है। भगवान सिंह बघेले और मनेन्द्र नाथ मिश्रा जी के द्वारा इन शैल चित्र को ढूंढा गया है। ये जितनी भी शैल चित्र हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, ये सारे शैल चित्र धुंधले हो चुके हैं। बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखने से हम लोग को पता चलता है कि एक सूरज है, दो इंसान को भी हम लोग ने ढूंढ लिया है। एक इंसान बना हुआ है और दूसरा इंसान चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी टोपी, जो आदिवासी लोग जो टोपी पहनते थे जिनमें सिंह हुआ करता था, वो टोपी मुझे देखने को मिल रही है। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ दोस्तों चित्र देख के। और ये जो चित्र बनाए गए, ये इतने हाइट में चित्र बनाए गए हैं तो उससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उन आदि मानव की जो हाइट होगी वो लगभग 10-15 फीट होगी। उस जमाने के आदि मानव द्वारा बनाई गई ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आज हम लोग को आँखों से देखने का मौका मिल रहा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चट्टान के किनारे किनारे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं
आप लोग देख सकते हैं साइड में हमारी चट्टाने हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग का भी अनुभव हो जाता है। और शाम की जो लाइटिंग आ रही है मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। इस पहाड़ी की चोटी से बहुत खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग चितवा डोंगरी केव आते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये पाषाणकालीन गुफा भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ गोंदली जलाशय का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। जहाँ चाहे वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं ट्रैकिंग करते हुए। दोस्तों हम लोग को एक जंगली कौवा देखने को मिला है, पापा ने देखा है तो पूरी तरीके से ब्लैक, और कौवा ब्लैक ही होता है पापा। यहाँ पर जितनी भी चट्टाने हैं दोस्तों, इन चट्टानों में प्राकृतिक रूप से गैप हैं, उन्हें ही हम लोग गुफा कहते हैं, और इन्हीं गुफा का इस्तेमाल किया करते होंगे आदि मानव लोग। तो यहाँ पर एक सीढ़ी बनाई गई है जो हमें पहाड़ के ऊपर लेके जाएगी। बस ये जो लकड़ी है ये मेरा वजन संभाल ले, नहीं टूटना भैया, टूटना मत, अरे भगवान। और उन आदि मानव के यहाँ रहने के सबूत हैं वो शैल चित्र जो हम लोग देख चुके हैं। और कुछ देर पहले जब मैं इस लोकेशन पर पहुँचा था दोस्तों, तो ये लोकेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी हमें। सो मेरे पीछे का जो खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं, ये गोंदली जलाशय है दोस्तों। ये गोंदली डैम के द्वारा बना हुआ रिजर्वायर है जिसके खूबसूरत नज़ारे हम देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ट्रैकिंग का शौक़ है, पहाड़ी चढ़ने का शौक़ है, खूबसूरत नज़ारे देखने का शौक़ है, और आप लोगों को अपने घर से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप लोग ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, पिकनिक बनाने का मौका मिल जाए, तो आप लोग इस लोकेशन में क्यों ना आना पसंद करेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखाई देती है चितवा डोंगरी केव और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने लाइफ का कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, उन्हें दिल से शुक्रिया। एंड दोस्तों लाइफ बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बी ऑलवेज हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए चितवा डोंगरी केव को आज हम लोग ने साथ मिलकर देखा, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप सभी के साथ शेयर किए, अब घर के और वापस चलते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं।